नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, मई मास के दूसरे सप्ताह अर्थात 8 मई से लेकर के और 14 मई तक आपको साप्ताहिक फलादेश के विषय में बताएं। ये सप्ताह उत्तम है, यशमान में वृद्धि होती है, हर प्रकार से लाभ मिलेगा और उन्मादित रहेगा। मई का महीना वैसे भी जो है बड़ा लाभकारी रहता है। तो आइए मई मास में सबसे पहले मेष राशि के साथ में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा परेशानी है मित्रों, क्योंकि आपका जो पहले से कार्य किया हुआ था ना, उसमें कहीं ना कहीं असुविधा आ गई, उसको दोबारा से एक नई संरचना के साथ में आपको करना पड़ेगा। परिवार में भी एक माहौल बना हुआ था सुखदायक, कहीं कोई ना कोई विघ्न पड़ता रहेगा। हाँ, यात्रा के योग बनते हैं, भ्रमण करने के लिए आपका यह समय बहुत लाभकारी है। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने क्या करना है, यदि आप करना चाहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का ध्यान कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय उन्नति इनकी चरम सीमा पर रहेगी, लाभ मिलेगा, धन धान्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में वृद्धि रहेगी और कहीं रुके हुए कार्य जो हैं इनके बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि सप्ताह विशेषतः अधिक राशियों के लिए ज़्यादा लाभकारी है, कुछ राशियों में थोड़ी बहुत कमी पेशी है, लेकिन ये सप्ताह आनंद के साथ में व्यतीत होगा। कर्क राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, उन्नतिकारक है, मन चित्त उनका प्रसन्न रहेगा, परिवार में भी आनंद की प्रतिभूति रहेगी, धन धान्य की वृद्धि रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, उन्नतिकारक है, हर प्रकार से ठीक रहेगा, नई नई विचारधारा इनके जीवन में पदार्पण करेगी और मित्रों से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, जहाँ ये कार्य कर रहे थे वहाँ पर इनका मान सम्मान बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, कारोबार है तो तरक्की होती रहेगी, उन्नति मिलती रहेगी, यदि विवाह इत्यादि में कहीं रुकावट हो रही हो तो वहाँ भी सफलता प्राप्त होगी। कन्या के बाद चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नतिकारक है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, व्यवसाय में भी लाभ होगा और धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बहुत इनका स्वास्थ्य गिरा रहेगा, इसलिए खान पान पर थोड़ा सा संयम रखिए, वाणी पर अपने संयम रखिए, क्योंकि किसी के लिए कहे हुए कटु शब्द अर्थात आप तो सही ढंग से बोल रहे हो लेकिन वो शब्द उनके लिए कटुता के हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। धन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, कारोबार में तरक्की रहेगी, यशमान में वृद्धि रहेगी, उन्नति कारक है और सफलता आपके चरण चूमेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत आपको अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभकारी है, धन धान्य में वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए भी सप्ताह ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खान पान पर थोड़ा सा संयम रखें और हो सकता है लेन देन में भी आप अपना किसी को व्यर्थ पैसा ना दें, नहीं तो मिलना असंभव हो जाएगा। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या, आपने इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहते हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से मन ही मन भगवान नारायण का ध्यान करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, उन्नतिकारक है, यशमान में वृद्धि होगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा, वृद्धिकारक रहेगा, हर प्रकार से लाभकारी है। मित्रों, इस सप्ताह के अंतर्गत अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है, आपका मन चित कार्य भी होगा, भ्रमण करने के योग बनते हैं, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है, इस सप्ताह में यदि कुछ करना चाहते हैं तो किसी अनाथ आश्रम में, अंध विद्यालय में या कहीं ऐसी सभा में जहाँ पर अन्न क्षेत्र बन रहा हो तो वहाँ पर आप अन्न का दान कर सकते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और मन भी आपका प्रसन्न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।